त्रिया काम करियो, मिलजुल के काम करियो सारो। बढ़िया शांति प्रिय सरपंच है, कोई किंसा के बाद खुआई को नहीं, प्रेम काम करियो। सारो बड़ो काम है सरपंच के करियो काम। सारो बड़ो काम तो वाटर वर्क्स को भी मंजूर करवाया है सरकार के थ्रू, फिर गया कोरोना के दौरान रुक रहे काम, वो मतलब टेंडर जारी को नहीं हुए अभी, बाकी सारो काम हो लियो। स्कूल को छोरियां और लड़कियां स्कूल को साइड बनवाया है जी, और स्कूल की चार दीवारी भी काफी ऊंची करवाई है, और बढ़िया काम चल रहा है जी, बढ़िया काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। आज मैं सिरसा जिले के गांव सकर मंदोरी में पहुंच चुका हूं। बता दें कि हमारी टीम के द्वारा द ग्राउंड नेटवर्क के द्वारा जो खास कार्यक्रम चौपाल की चर्चा बात पंचायत की शुरू किया गया है, उसके तहत आज हम इस गांव में पहुंचे हैं, और इस गांव में जो सरपंची जो वर्तमान में है सुरेंद्र सहारण, यहाँ के सरपंच हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इस गाँव में क्या क्या सराहनीय कार्य हुए और ग्राम पंचायत से कितने संतुष्ट है, और आगामी अगर सरपंची की बात करें तो कौन प्रत्याशी जो है मैदान में आ सकता है। अच्छा, क्या नाम है बाबूजी थारो? ओम प्रकाश है जी। ओम प्रकाश जी, गांव में कामड़ो कुमड़ो किसा कोई है? सरपंच विकास करता है, कोई काम आता है लगाता है गांव के अंदर। वैसे तो मैं काम करता देखे नहीं सरपंच, गांव की युवा टीम तो करती है, सफाई करी है, मंदिर के पास में पौधा लगाया, पेड़ लगाइए, मुसान भूमि इसमें विकास किया है, पंचायत की विकास हमने सुने नहीं। अच्छा, चलो आगामी और भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ युवा साथी है। अच्छा भाई साहब, क्या नाम बता रहे? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, अगर आप गांव का विकास की बात करा, कितनों को विकास हुआ? विकास ठीक हुआ है, लेकिन मान लो ना देखत भी मान लो बहुत कमी है विकास होने में। तो मेन बात तो है वाटर्स में सेम वो डिगी पाट रही है, मरम्मत होनी या कोई मान लो दोबारा बनना तो बहुत जरूरी है। अच्छा जी, अगर आप आगे की बात करें तो थारा गांव में रिजर्व में सरपंच है इस बार, कोई आगे के लिए कोई आए हो मैदान में, कोई चर्चा चल रहा है आगे के लिए? अभी तक तो कोई चर्चा चल रही है गांव में? चर्चा तो देखी जाए जी, मान लो कि के कुछ चल रहा है, दो तीन चल रहा है, एक प्रवीण बाजीगर है, एक दो और है। अच्छा, प्रवीण बाजीगर कैंडिडेट क्यों करे? ठीक है कैंडिडेट तो ठीक है, लेकिन वो आगे टाइम बताएगा क्या भी चर्चा चल रही है। हाँ। अच्छा। इसी बीच हमें सकर मंदोरी गांव के चौपाल में पहुंचे हैं, लगातार हमारी कवरेज जारी है। आप देख सकते हो कि लगभग समय जो है 7 बज चुका है, और हमारी टीम लगातार ये जानने की कोशिश कर रही है कि सकर मंदोरी गाँव में कितना विकास करे हुए। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? सुभाष। अच्छा सुभाष जी, गाँव में काम कुम किसो को हुए? काम में स्कूल में सेट लगा दिया, दोनों में मुसान भूमि में लगा दिया। अच्छा जी। गलियां भी बनी है, विकास ठीक हुए है। ठीक हुए है। हाँ, ठीक। अगर आप ये गांव में प्रमुख मुद्दे की बात करा, ये गांव में प्रमुख मुद्दों के है? प्रमुख मुद्दों तो जी, प्रमुख मुद्दा भी प्रमुख समस्या के है गांव में? समस्या मोटर जी। अच्छा, हमारे गांव में समस्या है जी, क्यों वाटर लेवल हमारा ऊंचा है, इसलिए समस्या है मोटर जी। मोटर लग जाए तो बहुत बढ़िया है। बाकी सुरेंद्र सारण के कार्यकाल में कितने काम हुए? बढ़िया है जी, एक नंबर का काम होने लगा, क्यों शमशान घाट में 24 निकल गया, और खेल स्टेडियम में जी बढ़िया बना रखे, 24 काट दियो, दोनों स्कूल बढ़िया जी बना रखे सैड है, और खेल स्टेडियम में बहुत बढ़िया बना रखे, और गलियां भी ठीक बना रखी है। अच्छा। और हमारे वाटर लेवल सबसे ऊंचा है जी, इसलिए मोटर का कनेक्शन हो जाए नहीं तो और बहुत ही बढ़िया हो जाए। अच्छा, अच्छा। तो इनके कार्यकाल को आप 100 में से कितना नंबर देते हो? 100 में से जी इसमें 85% है जी। 85% सही है? हाँ जी सही है बिल्कुल। क्या नाम भाई साहब? मांगेराम कासनिया। अच्छा कासनिया साहब, थाने किसो को लागो कार्यकाल सुरेंद्र को? कार्यकाल ठीक है जी, बढ़िया है, युवा सरपंच वो बढ़िया काम करे है। काम करे ऐ काम करे है, गांव में जितना सरकार पैसा दिया है वह सारा लगाया है। हाँ, कोई घोटालाबाजी को नहीं होगी, कोई गला शिकवा को नहीं के? ना कोई को नहीं, बढ़िया तरिया काम करे, मिलजुल के काम करे सारो, बढ़िया शांति प्रिय सरपंच है, कोई किंसा के बाद खुआई को नहीं, प्रेम काम करे। बड़ो काम है सरपंच के करे है गांव में? सारो बड़ो काम तो वाटर वर्क्स भी मंजूर करवाया है। हाँ। सरकार के थ्रू, फिर गया कोरोना के दौरान रुक रहे काम, वो मतलब टेंडर जारी को नहीं हुए। हाँ। बाकी सारो काम हो लियो। अच्छा। सब बड़ो काम तो ये, बाकी मारे मोटर की समस्या ही भी अभी क्या है, अभी कामयाब लाग रहे है, बाकी बात सरकार के सिस्टम है भी कितनों के सिस्टम हो, एक बार कोरोना कारण सारो सिस्टम रुक गयो, अब आगे सरकार पीसो देगी तो काम करवा दे, वो ना देगी तो आप घरे बैठी है, बाकी तो संतुष्ट हो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। नंबर दो थे? नंबर जितना है इतना ही दे दें जी, आप तो काम। हाँ। अच्छा।
ब्रिजलाली जी, अगर आप गांव गए विकास की बात करा तो मोको सरपंच है सुरेंद्र साह ने, कितना काम करिए? काम तो आए जो कर दे बगे और के है काम करिए? हां करिए है। के काम करिए थोड़ा बता दे। के बंदे सड़क बनवाई है, हां स्कूल की चार दीवारी कटवाई है, शमशान भूमि में दूसरे चार दीवारी कटाई है, छोटी मोटी गली बनाई है, एक वो थोड़ा खेलना ग्राउंड है, ग्राउंड बनवाई है, हां मेगा चार दीवारी काटी है। राजी हो गए थे? राजी राजी है सरपंच के पर है, कोई दिक्कत कोनी है। चलो हमारे साथ कुछ और भी साथी हैं, क्या नाम भाऊजी? प्रताप सिंह है। प्रताप सिंह जी थाने की शोक लगेगा, मैं काम कौन की शोक? मैं अभी बाहर ही था वैसे, दो महीने से अभी आया हूँ। बाकी गांव के विकास की तो आपको बताइए सर, कितना काम? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा काम, सराहनीय काम है। हाँ अगर हमें छोटी मोटी चीज पे सलाह दिया है, अभी जैसे बच्चों का अभी इसका स्टेडियम का था उसमें सहयोग दिया है, और जैसे ये छोटा मोटा अभी थोड़ा पार्क वगैरह बनाया था इसमें भी उन्होंने सहयोग दिया, कभी ना नहीं है। ठीक है, अभी क्यों मैं तो अभी बाहर ही था, दो महीने से अभी हूँ इधर। अच्छा अच्छा, इस कार्यकाल से संतुष्ट हुआ? हाँ संतुष्ट। 100 में से कितना नंबर दोगे आप? अब 100 में से अच्छा ही है। कितना दोगे आप? 95 दो। चलो आगे और भी बात करा, आगे और भी लगातार कवरेज जारी है। अच्छा क्या नाम है जी? किसा काम हो जी गाँव में? गाँव में काम ठीक है, ग्राम सभा का इधर भाईचारा मिल गई, बढ़िया काम हो, भाईचारा है, कोई गला सिखवा को रखे? नहीं नहीं, मेरे गाँव में नहीं, को रखे एक परिवार का मामला है। बढ़िया काम हो, क्या काम हो? काम क्या है, बच्चों के लिए स्टेडियम बन गया और ये या पार्क बन गया, बाकी गलियां बन गई, कोई स्कूल की रंग रोपन हो गए, ये कार्य चल रहे हैं। अच्छा, बाकी मेन समस्याएं बहुत रहती है गांव में। अच्छा, क्या क्या मेन समस्या है? समस्याएं सफाई की, एक तो आप जोड़ देखो दोनों दिन, ये सबसे बड़ी गंदगी गाँव में बीमारी का माहौल पैदा कर रही है। अच्छा अच्छा, और बाकी वाटर लेवल की वो तो चलो बड़ी समस्या है, वो सबसे प्रमुख समस्या है। अगर सुरेंद्र साण की बात करा तो सुरेंद्र साणू खुश हो गए? नहीं नहीं, ये खुश है, ये तो पूरा हमारा पारिवारिक है। पारिवारिक है, बंदो बढ़िया है? बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा हमारे साथ कुछ युवा साथी भी है। हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब? कानू राम है भाई साहब। अच्छा कानू राम जी, किसो कार्यकाल ने? बढ़िया करियो जी गम में। क्या करियो बता दो थोड़ा। स्टेडियम बनवा दियो जी गम में, एक स्कूल को छोरियां लड़कियां स्कूल को साइड बनवाया जी, और स्कूल की चार दीवारी भी काफी ऊंची करवाई है, और बढ़िया काम चल रहा है जी, बढ़िया काम किया। बढ़िया तो थे सोमू का नंबर दियो सरपंच? सोमू जी सोगा सोई है, दिया सोगा सोई दियो, कोई गला सिखवा को रखा ना जी, आप एक ही परिवार सिस्टम है जी, बढ़िया सिस्टम है। अच्छा, युवा सरपंच ना जी, चलो धन्यवाद, बढ़िया काम हुआ जी। बढ़िया काम, क्या काम हो ला रहे हो? यहाँ तो देखो खेती में काम करा, बाकी विकास को काम तो लगभग ठीक ही है। राजी हो, कोई गला सिखवा, कोई शिकायत को? नहीं नहीं जी, बिल्कुल राजी, बढ़िया बिल्कुल जी। चलो तो इसी बीच गांव शक्कर मंदोरी में भावी सरपंच के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि आगामी सरपंच के लिए एक चर्चा गांव में चल रही है कि जो ओम प्रकाश बाजीगर है उनके लड़के हैं प्रवीण, जो कि मेरे साथ इस वक्त है, आइए इनसे बात करते हैं। जी गांव में आपका नाम चर्चा में चल रहा है कि जो इस बार जो रिजर्व में सरपंच आई है कि ओम प्रकाश जो बाजीगर है उनके घर से सरपंच बन सकते हैं, इस बारे में आपका क्या क्या? नमस्कार सर जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। तो सर जी मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मेरे गांव राम में अच्छा सहयोग होगा तभी हम सरपंच में चुनाव में मैदान में उतरेंगे, और बढ़िया गाँव में हमारी उठ बैठ है, और हमारी ना तो कोई वाद विरोध है गाँव से जी, और ना अच्छा लिंक है हमारे गाँव में, मेरे पापा जी की भी बढ़िया उठ बैठ है जी, और हमारी भी बढ़िया उठ बैठ है जी, और एक मैं गाँव का अच्छा कार्य करने के लिए सहमत रहूँगा जी। गाँव से विनती है कि गाँव जी हमारे को सरपंच बनाने के मुख्य आदित्य कहे गए भी, गाँव के सरपंच बनो तो हम जरूर जी हाजिर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाँव राम का सहयोग हुआ तो फिर हम सरपंची में खड़े होंगे जी, निश तो नहीं होंगे। हाँ प्रवीण जी, जैसा कि आपका नाम चर्चा में चल रहा है तो आपकी क्या क्या प्राथमिकता रहेगी इस गांव के लिए, क्या क्या मुख्य कार्य रहेंगे आप? मुख्य कार्य ये है जी, एक तो मेरा स्कूल है, मेरे गांव में स्कूल है जी, तो आठवीं तक है, तो मेरी ये विनती होगी भी मैं प्लस टू तक करा सकूं। और जी जो गाँव के कोई अनेक काम है, कोई जो गलियों के काम है वो है, और सारे जी अच्छी तरह काम करूँगा जी, और सारी सहमति गाँव की सहमति से ही करूँगा जी। हाँ जी प्रवीण जी, अगर हम इस 4.5 वर्ष के कार्यकाल की बात करें, इस गांव में सुरेंद्र सारण सरपंच है, तो उनके कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा जी, सुरेंद्र बहुत अच्छा काम किया जी, और बहुत बढ़िया सरपंच है जी, उसके बारे में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया सरपंच है और हमारे लिए बहुत बढ़िया है जी। क्या क्या काम उन्होंने अपने विकास के लिए किए? उन्होंने जी सरकारी स्कूल में बढ़िया काम किए हैं जी,
वॉलीबॉल के खेल मैदान बनाया, मैदान बनाया जी, और उनके बैठने के लिए सेट भी बहुत अच्छा किया है। हमारी सुमसान भूमि है जी, उनके लिए भी चार दीवारी का काम किया जी, और स्टेडियम है उनकी भी चार दीवारी का काम किया, बहुत अनेक बढ़िया काम किए जी सारे। अच्छा ठीक है जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रवीण, जो कि ओम प्रकाश बाजीगर हैं, उनके लड़के हैं, जिनका नाम इस गांव के सरपंची के लिए चर्चा में चल रहा है। ये थे हमारे साथ सकरमंदोरी के कुछ ग्रामीण, जिन्होंने बताया कि सरपंच सुरेंद्र सारण के कार्यकाल में अच्छे कार्य गांव के विकास के लिए किए गए, चाहे वो स्कूल की चार दीवारी की बात हो, चाहे वो शमशान घाट की चार दीवारी की बात हो, चाहे वो स्कूली व्यवस्था को सुधारने की बात हो, गलियों की बात हो। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ग्रामीण जो है सरपंच सुरेंद्र सारण से खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि इस गांव में सुरेंद्र सारण के द्वारा अनेक इस गांव के विकास के हित में कदम उठाए गए। सहयोगी जोगिंदर शर्मा के साथ मैं विक्रम इंदौरा, सकरमंदोरी।